हल्द्वानी मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का जो टिप्पणी आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अवैध कब्जाधारी है उसके पुनर्वास की व्यवस्था क्या हुई है, पुनर्वास की कैसी होगी है, ये समझ से बाहर बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के जो टिप्पणी की है, इससे तो लगता है कि अराजकता हो जाएगा देश में कि अवैध कब्जाधारी को पुनर्वास की बात हो रही है, अवैध कब्जाधारी को तो उसको हटाना है, लेकिन ये किस तरह ये टिप्पणी समझ नहीं आ रहा है। मानवीय संवेदना के नाम पर अराजकता को बढ़ाना सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह करता हूँ।